साल में वियतनाम से चावल का निर्यात घटने की संभावना। दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित वियतनाम से साल 2023 में चावल का निर्यात बढ़कर 81 लाख टन के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन अब साल 2024 में घटकर 65 से 70 लाख टन पर अटक जाने की संभावना है। गौरतलब है कि भारत और थाईलैंड के बाद वियतनाम संसार में चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अब धीरे धीरे ऊंची कीमत और बेहतर क्वालिटी वाले चावल के निर्यात पर वह विशेष ध्यान दे रहा है और सामान्य श्रेणी के चावल की शिपमेंट में कटौती कर रहा है। वियतनाम फूड एसोसिएशन के अनुसार घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तथा जलवायु परिवर्तन को देखते हुए देश से चावल के निर्यात पर कुछ नियंत्रण लगाया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले चालू साल में मध्य फरवरी तक वियतनाम से चावल का निर्यात 14.4% बढ़कर 6,63,000 टन पर पहुंच गया था। वहीं चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और अफ्रीकी देशों में वियतनामी चावल की अच्छी मांग बनी हुई है, क्योंकि एक तो भारत से गैर बासमती सफेद चावल के व्यापारिक निर्यात पर जुलाई 2023 से ही प्रतिबंध लगा हुआ है और दूसरे अलनीनो मौसम चक्र कम से कम 2024 के मध्य तक बरकरार रहने की संभावना है। वहीं कई देशों में धान चावल का उत्पादन प्रभावित होने की भी आशंका लगाई गई है। दरअसल चावल का वैश्विक बाजार भाव आगे कुछ और तेज हो सकता है, इसीलिए कई देश इसका स्टॉक बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल वियतनाम सरकार ने कहा था कि साल 2030 तक देश से चावल के वार्षिक निर्यात को घटाकर 40 लाख टन तक सीमित रखने का प्लान बनाया गया है, ताकि घरेलू बाजारों में इसकी सप्लाई उपलब्धता की स्थिति सुगम बनी रहे और कीमतों में ज्यादा तेजी ना आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।